अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेजी की रेसिपी। इनफैक्ट ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की बनके रेडी होगी अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे। तो चलो इसकी रेसिपी देख लेते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है 1 किलोग्राम चिकन। तो चिकन को अभी हमें मैरिनेट करना है, तो 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काले मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे, 1 टेबल स्पून के करीब है ये, और आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे 30 मिनट के लिए। और अभी तक एक पैन में लेंगे हम 2 टेबल स्पून तेल और इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप करके, और इसे हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। और ये देखें प्याज हमारी जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के टमाटर, छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे ताकि ये जल्दी गल जाए, और अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम आधा मुट्ठी हरा धनिया, 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्ची और इसे 1 से 1.5 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम निकालेंगे बाहर और बाहर निकाल कर इसका हम फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब उसी पैन में हम वापस से लेंगे 2 टेबल स्पून तेल और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन को ऐड कर देंगे, और अब इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। इतनी देर में जो हमारा चिकन है वो 50 से 60% तक कुक भी हो जाएगा, और ये देखें जिस तरह से चिकन टिक्का होता है उस तरह से इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए। ये देखिए जब इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए तब इसे निकाल लेंगे हम बाहर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आया है। बिल्कुल इसी तरह से इसे हमें फ्राई करना है। अब इसे निकाल लेंगे हम बाहर और उसी पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर और 2 टेबल स्पून तेल। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप 2 टेबल स्पून तेल और ले लें। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ सेकंड्स के लिए इसे फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी कच्ची स्मेल निकल नहीं जाती। और अब इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने प्याज और टमाटर का बनाया हुआ था, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक जो तेल हमारा है वो मसालों से अलग नहीं होने लगता, सेपरेट नहीं होने लगता। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून नमक। टोटल इसमें हमने 1.5 टीस्पून नमक यूज़ किया हुआ है। 1 टीस्पून हमने स्टार्टिंग में डाला था चिकन मैरिनेट करते टाइम और आधा टीस्पून अभी यूज़ किया है। आप चाहें तो नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी से हम वापस से भून लेंगे जब तक तेल हमारा जो है वो सरफेस पे नहीं आने लगता। और जब ये मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें डालेंगे हम आधा कप दही, अच्छे से फेंट के डालेंगे, और दही जब डालेंगे तो फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि दही हमारा जो है वो फटे नहीं। और इसे वापस से भूनेंगे जब तक तेल अलग नहीं होता मसालों से, और जब वापस से मसाला भून जाए तो अब इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, मिक्स कर देंगे अच्छे से इसे, और साथ ही डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई भी ले सकते हैं। और वापस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसे हमें 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है अच्छे से। और ये देखिए मसालों के साथ भी हमारा चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, तो 1 कप इसमें मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा ग्रेवी हमें इसमें नहीं चाहिए है। और अगर आप चाहें ज़्यादा ग्रेवी रखना तो पानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट इतनी परफेक्ट है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीड लगाकर इसे हम लो फ्लेम पर रख देंगे 12 से 15 मिनट तक कुक होने के लिए। और ये देखिए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन चंगेजी हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कटी हुई हरे धनिया के पत्ते और 3 से 4 मिर्ची डाल देंगे बीच से स्लाइस करके, और इसे गर्मा गर्म कर लेंगे सर्व। तो आप इसे नान, चपाती, पराठा या फिर राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। हर किसी से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब होता है, और ग्रेवी आप देख ही सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनके रेडी हुई है। तो आप इसे ईद में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनके रेडी होता है ये, और इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इंग्रीडियंट्स की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।